अस्सलाम वालेकुम। हम जलाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल खानदान की तीसरी पीढ़ी। लेकिन हम अकबर बाद में बने, पर हम सिर्फ थे जलाल, एक सिपाही जिसने सिर्फ सल्तनतें और जमीन जीतना जाना, जो सिर्फ नफरत करना जानता था मोहब्बत, जिसके पास दिल ही नहीं था। एक जंगबाज जिसका मकसद था पूरी दुनिया पर फतह करना, वो नहीं जानता था कि उसके गुरूर को शिकस्त देने वाला भी कोई और मौजूद है। और वो शख्स जिसने हमारे गुरूर को शिकस्त दी, जिसने हमें दिल जीतना सिखाया, जिसने हमारे सीने में सोते हुए दिल को धड़कना सिखाया, वो थी आमिर की शहजादी जोधा। उनसे हमारा निकाह महज एक सियासी समझौता था, लेकिन उनसे जो रिश्ता बना, उसने हमें समझाया कि जिंदगी सियासत नहीं बल्कि मोहब्बत, कि जमीन नहीं दिल जीतना ज्यादा खास है। जलाल ने महज 13 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान के शाह का ताज अपने सर पर पहना, लेकिन उसे अकबर का ताज पहनाया उसके शरीक हयात जोधा ने। वो हमसे किसी मामले में कम नहीं थी, नहीं अदाओं में, नहीं गुरूर में, नहीं जिद में। अगर वो हमसे किसी मामले में आ गई थी तो बस मोहब्बत, और उनकी मोहब्बत ने हमें जीना सिखाया। वो शख्स बनाया जिसकी जिंदगी तारीख में लिखी गई, उन्होंने हमें अकबर का नाम दिया। सच कहें तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई जोधा बेगम से, जिंदगी को मायने जोधा बेगम ने। हमारा निकाह हमारी नफरत का अंजाम था, लेकिन हमारी मोहब्बत ने उसे वो अंजाम दिया कि पूरी दुनिया जिंदगी भर उसे याद रखेगी। इस किरदार को जितना मैंने जिया उतना आप लोगों ने भी, इस किरदार को पेश करने के लिए जितनी मेहनत मैंने की उतनी ही मोहब्बत आप लोगों ने दिखाई इसे कबूल करने में, जिस बात के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे यकीन है कि जिंदगी में कोई भी जोधा अकबर की मोहब्बत को नहीं भूलेगा और नहीं भूल पाएगा शो को जिसका नाम है जोधा अकबर।